बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो द लास्ट लेयर इज द एप्लीकेशन लेयर। आईओटी आर्किटेक्चर में जो लास्ट लेयर हम देख रहे हैं, टॉप ऑफ द स्टैक जो लेयर है वो है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये समथिंग लाइक समथिंग टू डू विद द एप्लीकेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये वो इंटरफेस प्रोवाइड कर रही होगी यूजर को, जिस इंटरफेस के थ्रू यूजर अपने सेंसर से लिया गया, कनेक्टेड इंटरनेट कनेक्टेड सेंसर से लिया गया डाटा व्यू कर सकता है, या उस डाटा के ऊपर जो प्रोसेसिंग हो कि हमारे पास एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन क्रिएट हुई है, उस डाटा को व्यू कर सकता है जिस एप्लीकेशन इंटरफेस के जरिए, वो इस लेयर पे हमारे पास आता है, जिसे हम एप्लीकेशन लेयर कहते हैं। तो इस लेक्चर में हमने अपने लास्ट जो हमने डेमो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, हम एक मोशन सेंसर से डाटा ले रहे थे और उसे हमने क्लाउड पे सेंड कर दिया था। तो हमने बेसिकली अपनी परसेप्शन लेयर और अपनी जो कम्युनिकेशन लेयर है उसे हमने कंप्लीट कर लिया था, और अब लास्ट पे हमारे पास एप्लीकेशन लेयर आ रही है। तो हम उस सेंसर से लिया गया डाटा हम अपने क्लाइंट एंड पे या हम अपने एंड यूजर ऐप में किस तरह उसको व्यू कर रहे होंगे, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आईओटी जो है वो वैल्यूएबल इसी केस में है अगर एप्लीकेशन जो है वो मोबाइल ऐप हो या अवेयरेबल ऐप हो, एज अ क्लाइंट परस्पेक्टिव, ठीक है। डिवेलपर परस्पेक्टिव से हम उसे क्लाउड में भी लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है, जिसपे जो है डिवेलपर बैकएंड पे उस एप्लीकेशन को मैनेज कर सके, एक सर्वर एंड उसका हो, और क्लाइंट एंड जो है वो यूजर के पास जो हो वो या तो वेयरेबल ऐप हो सकती है या फिर मोबाइल ऐप हो सकती है, ठीक है। एंड थर्ड थिंग जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन को हमने पहले भी डिस्कस किया था और अब हम इसको दोबारा से देखेंगे कि हम अपनी जो प्रोजेक्ट है या अपना जो प्रोडक्ट है जो हम आईओटी का डेवलप कर रहे हैं उसमें हम किस तरह से वैल्यू ज्यादा से ज्यादा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स गेट बैक टू द आईओटी आर्किटेक्चर फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर। इसमें हमने कम्युनिकेशन लेयर और परसेप्शन लेयर को हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। सो अब हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। ये बेसिकली हमारी एप्लीकेशन लेयर है, और एप्लीकेशन जो है हमारी वो एक वो इंटरफेस होगा जिसके थ्रू यूज़र जो है वो अपने कनेक्टेड सेंसर के साथ कनेक्ट हो सकेगा। लेट मी जस्ट ड्रा दिस आर्किटेक्चर अगेन। सो बेसिकली इफ आई हैव एन आर्किटेक्चर लाइक, ये मेरे पास एक जो है मेरा मोशन सेंसर था, मीन्स मोशन सेंसर मेरा माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट है, मींस मेरा सेंसर जो था वो कनेक्ट था मेरे माइक्रो कंट्रोलर के साथ, जो माइक्रो कंट्रोलर हमने इस केस में यूज़ किया था नोड एमसीयू। सो ये मेरा नोड एमसीयू था, लेट्स से। और फिर हमने इसको कनेक्ट किया है क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, जिसे हमने कहा थिंगस्पीक। सो हमने इस केस में थिंगस्पीक को यूज़ किया था क्लाउड पे डेटा सेंड करने के लिए। ओके, सो देन अब थिंगस्पीक से इस माइक्रो कंट्रोलर ने डेटा सेंड किया क्लाउड पे, और हमें एक्चुअली चाहिए क्लाइंट एंड पे डेटा, हमें यहाँ पे क्लाउड पे डेटा नहीं चाहिए, हमें क्लाउड पे। अब क्लाइंट जो है वो हमारा इतना एक्टिव नहीं है कि वो बार बार जो है क्लाउड को व्यू करे या वेबसाइट को ओपन करे अपने डेटा को व्यू करने के लिए, उसे एक ईजी टू यूज या ईजी टू एक्सेसिबल डेटा चाहिए, या एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जिसके थ्रू वो इजीली अपने कनेक्टेड सेंसर से डेटा व्यू कर सके, ठीक है। सो हम यहाँ पे उसे इस क्लाउड प्लेटफॉर्म को अगेन कनेक्ट करने होंगे एक मोबाइल ऐप से, ठीक है। सो ये हमारे पास एक मोबाइल ऐप आ जाएगी जो क्या कर रही होगी, इस सेंसर का डेटा इस मोबाइल ऐप में शो हो रहा होगा या यूजर को व्यू हो रहा होगा, या यूजर इसके थ्रू अपने इस सेंसर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है और देख सकता है कि सेंसर ने क्या वैल्यू उसको अब दी है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, जिस तरह लास्ट टाइम हमने किया था, हम इसकी थिंगस्पीक की जब इसके ऊपर हम वैल्यू सेंसर से गेट करते थे माइक्रो कंट्रोलर पे, तो हम थिंगस्पीक की राइट एपीआई को कॉल करते थे। राइट एपीआई को कॉल करके हम डेटा थिंगस्पीक के ऊपर राइट कर देते थे, राइट। और जब हमने इसी तरह मोबाइल ऐप के अंदर डेटा को गेट करना है यहाँ से, तो इस केस में हम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे रीड एपीआई। ओके, सो रीड एपीआई को यूज करने के लिए अब हमें क्या करना है, हमें मोबाइल ऐप से जस्ट इस एपीआई को कॉल करना है,
रीड एपीआई को, इस थिंग स्पीक की रीड एपीआई को। एपीआई का कॉन्सेप्ट भी हमने अपने लास्ट वीडियो में स्टडी कर लिया था। सो जैसे ही हम रीड एपीआई को कॉल करेंगे, थिंग स्पीक के ऊपर जो सेंसर की लास्ट वैल्यू पड़ी होगी, लेट्स से कि सेंसर की जो लास्ट वैल्यू है वो है 1, मींस कि इसने मोशन डिटेक्ट की है। सो जैसे ही यहाँ पे 1 रिटर्न होगा, इस मोबाइल ऐप में हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं या शो करवा सकते हैं यूजर को कि मोशन डिटेक्टेड और वट एवर वी लाइक टू शो टू द यूजर। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस आर्किटेक्चर इज गोइंग टू वर्क इन आवर केस। ठीक है, ओके, सो लेट मी शो यू एन मोबाइल ऐप दैट आई हैव जस्ट बिल्ड। ठीक है, तो मोबाइल ऐप की तरफ चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपने सेलफोन को एक्सेस करूँ तो ओके, सो मोबाइल ऐप जो मैंने बिल्ड की है वो मैंने उसके लिए यूज किया है MIT ऐप इन्वेंटर को। MIT ऐप इन्वेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसको आप सर्च भी कर सकते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जो है मोबाइल ऐप्स को, स्पेसिफिकली एंड्रॉयड ऐप्स को, बगैर किसी कोडिंग के जस्ट ब्लॉक्स को यूज करते हुए जो है बिल्ड कर सको। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ आई हैव बिल्ड एन ऐप नेम थिंगस्पीक, तो इसमें जस्ट ब्लॉक्स है, मैंने इन्हीं ब्लॉक्स को यूज किया और इन्हें कनेक्ट करते हुए सिंपली जो है एक ऐप, एक एप्लीकेशन डेवलप की है। MIT ऐप इन्वर्टर काफी फेमस है बेसिकली इस केस में कि आप IoT बेस्ड जो है प्रोजेक्ट्स को टेस्ट करने के लिए, अगर आप एक ऐप डेवलपर नहीं हो जस्ट लाइक मी, मैं एक एंड्रॉयड डेवलपर नहीं हूँ, सो मैं इसको अपने प्रोजेक्ट्स को टेस्ट करने के लिए सिंपली यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैंने जब इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने से पहले आई ब्रेनस्टॉर्म टू मच, मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्म किया और काफ़ी ज़्यादा सोचा इस लेक्चर को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इसमें दिस इंक्लूड सम सॉर्ट ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट, और मैं सोच रहा था कि किस तरह से मैं आप लोगों को समझा पाऊँ कि ऐप डिवेलपमेंट भी साथ में इंक्लूड हो रही है, क्योंकि यू नो IoT इज़ द मैशअप ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, यू आर एक्चुअली वर्किंग विद नेटवर्क्स एंड यू आर एक्चुअली वर्किंग विद सम सॉर्ट ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड यू आर वर्किंग विद मे बी बिग डाटा, ओके, एंड यू आर वर्किंग विद दीज मोबाइल ऐप्स, सो देर आर मल्टीपल थिंग्स। सो मैं सोच रहा था कि किस तरह से इसको कवर किया जाए, एंड देन आई थिंक ऑफ अ पॉइंट दैट के मेन फोकस शुड बी द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, जो मेन चीज़ है वो मेरे लिए मोबाइल ऐप नहीं है, मेरे लिए जो मेन चीज़ है वो आपको प्रोसेस समझाना है कि IoT किस तरह से वर्क कर रही है और IoT की एक्चुअल चीज़ क्या है। ठीक है, तो हो सकता है कि हम फ्यूचर में या इसके एज अ साइड मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो डेवलप कर दूँ जिसमें MIT ऐप इन्वेंटर को यूज़ करना सिखाया गया हो, इफ़ यू आर एब्सोल्यूट बिगनर। ठीक है, तो फिर एक सेपरेट वीडियो इस पर डेवलप की जा सकती है, लेकिन बजाय इसके कि हम लेक्चर के दौरान अपने ओरिजिनल कंटेंट से या अपने टॉपिक से हट के जो है ऐप डेवलपमेंट की तरफ जाएं, तो वो हमारे लिए सूटेबल नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो मैं आपको बेसिक चीज़ यहाँ पे बताऊँगा वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँगा MIT ऐप इन्वेंटर का, उसके थोड़े से लर्निंग रिसोर्सेज दूंगा और आपको एक्चुअली दिखाऊंगा कि ऐप किस तरह से मैंने डिवेलप किया और ऐप वर्क कैसे कर रही है। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू दिस इंटरफेस। ये जो ब्लॉक्स आ रहे हैं ये सारे, ये कंप्लीट जो है ऐप एंड्रॉयड ऐप का आर्किटेक्चर है। अब इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, इफ आई गेट टू द डिजाइनर, तो ये मैंने एक बटन लगाया इज मोशन डिटेक्टेड। जैसे ही यूजर इस बटन पे क्लिक करता है, अगर इस बटन पे क्लिक होगा तो अब होगा क्या कि ये बटन अगर प्रेस हुआ है, सही है, तो फौरन से कॉल जाएगी थिंगस्पीक की रीड API को। ठीक है, रीड API कॉल होगी, जैसे ही रीड API कॉल होगी अब वो जो रिस्पॉन्स सेंड करेगी JSON में, उस JSON को मैंने इस लैंग्वेज इस एप्लीकेशन के अंदर पार्स किया है। JSON पार्सिंग में भी इफ यू लिसन टू दिस, या अगर आपने इसका नाम सुना है JSON पार्सिंग का, तो ये होता है कि JSON एक JSON स्ट्रिंग में से या कंप्लीट JSON डाटा में से हमें अपने काम की जो चीज़ है उसको निकालना है, अपने काम की वैल्यू को निकालना है। सो हमारे काम की जो चीज़ है वो ये थी कि सेंसर जो है उसकी वैल्यू 1 है या 0 है। सो इसको पार्स करते हुए मैंने सिर्फ इन में से एक वैल्यू गेट की और उसके बाद इस सेंसर स्टेटस
वाले जो बॉक्स मैंने यहाँ पे या टेक्स्ट बॉक्स जो भी मैंने यहाँ पे लगाया है इसके अंदर मैंने शो करवा दिया कि अगर तो वैल्यू 1 डिटेक्ट हुई है तो मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ कि मोशन डिटेक्टेड, राइट। और अगर जो है वैल्यू जो है उसने 0 रीड किया वहाँ से तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता था नो मोशन डिटेक्टेड। ओके इजी। सो मैं सबसे पहले एप्लीकेशन को आपके सामने लेके आता हूँ तो फिर हम देखते हैं उसके बाद कि ये थिंग स्पीक के साथ कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है इस तरह से वर्क कर रहा है। सो लेट मी टर्न ऑन माई सेल फोन और अब मैं इस ऐप इन्वेंटर को कनेक्ट करता हूँ अपने सेल फोन के साथ। Hey, wait. और अब मेरे पास ये एप्लीकेशन जो है कंप्लीट मेरे लाइव मोबाइल के अंदर रन हो जाएगी। फिर हम बटन प्रेस करके देखते हैं कि क्या वाकई जो कुछ मैंने कहा है वो कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके सो यही इंटरफेस मेरे सामने यहाँ पर ऐप का ओपन हो गया। सो अब मैं अगर बटन पे क्लिक करता हूँ, लेट्स से आई प्रेस दिस बटन इज मोशन डिटेक्टेड, तो यहाँ सेंसर स्टेटस में आ रहा है नो मोशन डिटेक्टेड। इट मींस के जो लास्ट पे मोशन जो है मेरे पास जो वैल्यू है उसकी वो 0 है, इसीलिए यहाँ पर लिखा आ रहा है नो मोशन डिटेक्टेड। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि अपने अगेन उसी सेटअप को कनेक्ट करता हूँ और उसके जो फील्ड है इंफ्रारेड फील्ड PIR मोशन सेंसर का उसे डिस्टर्ब करके चेक करता हूँ कि क्या ये जो मोशन है ये अभी भी डिटेक्ट हो रही है या भी ये शो करता है ऐप के अंदर के मोशन डिटेक्ट हुई है या नहीं। सो लेट मी जस्ट गिव मी सम टाइम। ओके इसको डिस्टर्ब करने के बाद अब मैं अगेन अपनी ऐप को टेस्ट करता हूँ और देखता हूँ कि अब भी ये यहाँ पर मोशन डिटेक्टेड लिखा आ रहा है या इसकी वैल्यू अपडेट हुई है। ओके सो समवन इज एट द डोर, ठीक है, दैट्स प्रीटी कूल। तो ये जो स्ट्रिंग अब यहाँ पर शो हुई है ये जस्ट ऐप के अंदर मैंने इसे इसको लॉजिक लगाई हुई है कि अगर जो है वो 1 रिस्पॉन्ड करे तो इट मीन्स दैट समवन इज एट द डोर। इनकेस के जो मोशन सेंसर है वो मैंने अपने डोर पे डिप्लाई किया हुआ है और मैं देख रहा हूँ कि अगर तो मोशन डिटेक्ट होती है इट मीन्स समवन इज एट द डोर, और अगर मोशन डिटेक्ट नहीं होती तो इट मीन्स नो मोशन डिटेक्टेड और नो वन इज एट द डोर, ठीक है। अगर मैं ब्लॉक्स का व्यू आपको यहाँ पर शो करवाऊँ एक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये इसी चीज़ को डोनेट कर रहा है कि अगर तो 0 है वैल्यू तो इट मीन्स नो मोशन डिटेक्टेड एंड इफ द वैल्यू एल्स कंडीशन में समवन इज एट द डोर। ओके सो ये था हमारे पास एक्चुअली मोबाइल ऐप, कैसे हम मोबाइल ऐप को अपनी मोबाइल ऐप को कनेक्ट कर रहे हैं अपनी क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है। सो जो कंप्लीट आर्किटेक्चर अब हमारे पास बिल्ड हो रहा है वो ये है कि ये हमारा सेंसर है, ठीक है, ये सेंसर हमारे क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट है। वो क्लाउड प्लेटफॉर्म थिंगस्पीक के अलावा कोई और भी हो सकता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में और भी प्लेटफॉर्म्स के साथ वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक मोबाइल ऐप है, ठीक है। अब इसके थ्रू हमारी मोबाइल ऐप जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट है हमारे इस सेंसर के साथ या कनेक्टेड सेंसर के साथ, जो सेंसर हमारे माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट है। तो हमारी जो ऐप है वो डाटा यहाँ से रीड भी कर सकती है और रीड ही हम करवा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर डाटा व्यू करना है जस्ट सेंसर से, हम कोई चीज़ परफॉर्म नहीं करवा रहे, ठीक है। सो इस तरह से हमारे आर्किटेक्चर काम कर रहा है। अब हम देखते हैं कि अगर जो है ये आर्किटेक्चर जो है इसको हम एक कंप्लीट IoT सिस्टम नहीं कह सकते, ठीक है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि जस्ट इसके अंदर हम डाटा को रीड कर रहे हैं और ये शो करवा रहे हैं कि मोशन डिटेक्ट हुई है या नहीं हुई है। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ पार्शियल IoT सिस्टम।
हमने आई थिंक अपने स्टार्ट में भी बात की थी कि अ कंप्लीट आईओटी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स। सेंसर्स सेंस रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड एक्चुएटर्स एक्चुअली चेंज रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट। तो सेंसर्स जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में से, रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में से चीज़ें या कुछ भी सेंस कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मोशन सेंसर जो है वो मोशन सेंस कर रहा होता है, या कोई अगर टेम्परेचर सेंसर हमने डिप्लाई किया वो टेम्परेचर को सेंस कर रहा होगा, अगर कोई लाइट इंटेंसिटी सेंसर है तो वो लाइट की इंटेंसिटी को सेंस कर रहा होगा, कोई स्मोक सेंसर है तो वो स्मोक को सेंस कर रहा होगा, कोई गैस सेंसर है तो गैस को सेंस कर रहा होगा। सो देर आर वेरियस वराइटीज ऑफ सेंसर अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, सही है। और एक्चुएटर्स क्या कर रहे होते हैं, वो रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट को चेंज कर रहे होते हैं। एक्चुएटर के एग्जाम्पल में हमारे पास कोई बल्ब हो सकता है, कोई फैन हो सकता है, कोई मोटर हो सकती है, कोई अलार्म हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हमारे पास रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट में चेंज लेके आ रही हैं उन्हें हम एक्चुएटर कहते हैं। और एक कंप्लीट आईओटी सिस्टम में ये दोनों चीज़ें होती हैं, सेंसर्स भी होंगे एक्चुएटर्स भी होंगे। एटलीस्ट वन सेंसर एंड वन एक्चुएटर मस्ट बी देयर टू क्रिएट अ कंप्लीट आईओटी सिस्टम, सही है। तो इस सीनैरियो में जो हमने सीनैरियो अभी क्रिएट किया है, इसके अंदर हमने सेंसर तो डिप्लाई किया है लेकिन हमारे पास कोई एक्चुएटर नहीं है, ठीक है। तो एक्चुएटर को हम इंक्लूड इस तरह से कर सकते हैं इस सीनैरियो में या इस केस में, ठीक है, कि यहाँ पर हमारे पास मोबाइल ऐप है। अब हो क्या, जैसे ही मोशन डिटेक्ट हो, लेट से मोशन डिटेक्ट हुई, तो एक हमारे पास थेफ्ट अलार्म है, वो अलार्म ऑटोमेटिकली रिंग हो जाए या अलार्म बजना शुरू हो जाए कि कोई मोशन डिटेक्ट हुई है, सही है। अब एक ये सिनेरियो हो सकता है इसका, ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो में ये हो सकता है कि मोशन भी डिटेक्ट हो, उसके बाद अलार्म भी बजे और अलार्म के साथ हमारी ऐप पे नोटिफिकेशन भी आ जाए। नोटिफिकेशन की बजाय अगर टेक्स्ट मैसेज आ जाए तो डेट विल बी मच बेटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, ये कंप्लीट आईओटी सिस्टम की तरफ हमें लेके जा रही हैं, या एक आईओटी सिस्टम के अंदर परफेक्शन ला रही हैं, सही है। एक्चुअली ये जो सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स हैं जो मिलके एक कंप्लीट सिस्टम डिप्लाई कर रहे हैं, या अगर मेरे पास एक डिटेक्ट होते हैं मोशन और उसके बाद अलार्म रिंग हो जाता है, मुझे टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है, ये लेट्स से इससे भी हम इसको फंक्शनैलिटी को एक्सपेंड कर देते हैं, अलार्म भी रिंग हो जाता है, टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है। और अगर इसी सिस्टम को एक्सपेंड किया जाए तो वही जो नोटिफिकेशन है वो नियरेस्ट, लेट्स से नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में भी चला जाता है। तो दिस सिस्टम कैन बी डिप्लॉयड ऑन अ बिगर लेवल, सही है। तो इस तरह के हम ये सिस्टम जो है एक्सपेंड से एक्सपेंड कर सकते हैं कि ये सिस्टम जो है हम बना रहे हैं ये किस सिनेरियो में हम बना रहे हैं और किस सिनेरियो में इसे फिट होना चाहिए, और उसी लिहाज से हम उसमें सेंसर्स डिप्लाई करते हैं, एक्चुएटर्स डिप्लाई करते हैं। और तो मेन चीज़ जो यहाँ पर आ रही है, जो आपने नोट किया है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट मैसेज जनरेशन, ठीक है, कि टेक्स्ट मैसेज का रिसीव होना या नोटिफिकेशन का जनरेट होना। सो ये सब चीज़ें कहाँ पर आ रही हैं, ये हमारे सॉफ्टवेयर एंड पे आ रही हैं, और यही वो चीज़ें हैं जो हमारी मिल के वैल्यू क्रिएट करती हैं, या जिन्हें हम एक्चुअली आईओटी की वैल्यू प्रोपोजिशन कहते हैं, ठीक है। वैल्यू प्रोपोजिशन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर मैं इसको कहूँ, क्योंकि जो चीज़ एक आईओटी सिस्टम को, ठीक है, एक मेरे पास आईओटी सिस्टम है, ठीक है, और दूसरा मेरे पास है इंटरनेट कनेक्टेड एम्बेडेड सिस्टम, ठीक है। सो बेसिकली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन आईओटी सिस्टम एंड एन इंटरनेट कनेक्टेड एम्बेडेड सिस्टम। सिंपली अगर एक सेंसर हमने इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया है तो डेट इज नो मोर ऑफ आईओटी, ठीक है, उसे हम पार्शियल आईओटी कह सकते हैं जिस तरह मैंने अभी से बताया, लेकिन वो एक बेटर है कि वो एक इंटरनेट कनेक्टेड एम्बेडेड सिस्टम है लेकिन आईओटी सिस्टम नहीं है। आईओटी सिस्टम जो है वो डिफरेंशिएट इंटरनेट कनेक्टेड एम्बेडेड सिस्टम से इसी तरह हो रहा होता है उसकी वैल्यू में, ठीक है, कि हम कस्टमर को कितनी वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। अगर मोशन डिटेक्ट होती है एक तरफ, सही है,
और उसे कस्टमर को अलार्म भी रिंग हो जाता है और उसे टेक्स्ट मैसेज भी आ जाता है। दैट कैन जनरेट मच मोर वैल्यू फॉर कस्टमर देन के वो बकायदा, जिस तरह मैंने अभी एक ऐप डिवेलप की कि वो बकायदा पीरियोडिकली ऐप को ओपन करे और उसके बाद बटन पे क्लिक करके देखे कि मोशन डिटेक्ट हुई है या नहीं हुई। ठीक है, दैट इज सम सॉर्ट ऑफ वेरी लो वैल्यू और उसकी मार्केट वैल्यू भी बहुत कम होगी। सही, सो दिस सिनेरियो इज मच क्रिएटिंग मच मोर वैल्यू एंड दिस इज एक्चुअली एन आईओटी सिस्टम। ठीक है, तो ये जो है ये चीज, अब टेक्स्ट जनरेशन जो है ये हमारी सॉफ्टवेयर पार्ट में आ रही है। दिस इज सम सॉर्ट ऑफ समथिंग टू डू विद द सॉफ्टवेयर और समथिंग टू डू एट द लॉजिकल एंड। ठीक है, तो यही चीज जो अभी हमने पढ़ी सॉफ्टवेयर में, जो चीज सॉफ्टवेयर आती है सॉफ्टवेयर एंड पे, उसे हम कहते हैं अपनी सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट। सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट, सो सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट में वो सब चीजें आ रही होती हैं जो हमारी सॉफ्टवेयर एंड पे है। मे बी दैट इज सम सॉर्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ डेटा यूजिंग बिग डेटा एल्गोरिदम। ठीक है, सो बिग डेटा के एल्गोरिदम्स आ सकते हैं। मे बी वी डिप्लॉयड सम सॉर्ट ऑफ एआई टू हैंडल दैट डेटा। मे बी दैट इज सम सॉर्ट ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, सो और मे बी देर आर सम सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर विजन एल्गोरिदम दैट आर रनिंग एंड टुगेदर कम्युनिकेटिंग विद एन आईओटी सिस्टम। सो बेसिकली दीज टेक्नोलॉजीज आर क्रिएटिंग वैल्यू ऑफ एन आईओटी प्रोजेक्ट। द सेकंड थिंग जो हमारे पास सेकंड चीज आती है इसके साथ सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट के साथ इन इन अ बिजनेस पर्सपेक्टिव, उसे हम कहते हैं अपनी हार्डवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट। ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग टू डू विद द हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट। अब हार्डवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट में क्या चीज मैटर करती है? हार्डवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट में मैटर करता है हमारी हार्डवेयर का डिजाइन, डिजाइन रिलायबिलिटी एंड समथिंग टू डू विद लाइक हार्डवेयर पार्ट्स लाइक वोल्टेज एंड करंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा द डिजाइन। ठीक है, डिजाइन मैटर करता है उस हार्डवेयर प्रोडक्ट का, उसकी रिलायबिलिटी मैटर करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई हैव अ प्रोजेक्ट डिप्लॉयड हियर, आई हैव अ डोर और इस डोर को मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले कि जैसे ही कोई इस रूम को इस डोर को ओपन करे तो मुझे पता चल जाए से, या मेरे पास एक टेक्स्ट मैसेज आ जाए और मुझे पता चल जाए कि मेरा डोर किसी ने ओपन किया। और इफ आई इंक्लूड द अलार्म अलार्म सीन, तो हो सकता है कि अब फर्स्ट सीन ये हो कि डोर ओपन हो तो उसके बाद मुझे नोटिफिकेशन भी आ जाए, मुझे टेक्स्ट मैसेज आ जाए और साथ में मेरा जो घर में लगा हुआ अलार्म है वो रिंग होना शुरू हो जाए। ठीक है, सो दीज आर द सॉफ्टवेयर डिफाइंड थिंग्स। सॉफ्टवेयर डिफाइंड थिंग्स मैंने कर ली। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो हार्डवेयर डिप्लाई करना है, लेट्स से मैं इसकी इसे चौखट जिसे हम कहते हैं चौखट के पास मैंने एक बॉक्स डिप्लाई कर दिया जिसमें मेरा मोशन सेंसर लगा हुआ है, तो उसके आईओटी फील्ड की रेंज जो है चौखट के दूसरे एंड तक है। इट मीन्स जैसे ही कोई पर्सन जो है इस दरवाजे को ओपन करके अंदर दाखिल होगा इस फील्ड में डिस्टर्बेंस पैदा होगी और ये जो इसके अंदर लगा मोशन सेंसर है वो क्लाउड प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होगा। क्लाउड प्लेटफॉर्म से कनेक्ट होने के बाद वो मेरे इस पे मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज सेंड कर देगा और अलार्म को रिंग कर देगा। दैट्स जस्ट अ सिंपलर सिनेरियो। ठीक है, हार्डवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट से क्या मुराद है कि ये जो मैंने यहाँ पर हार्डवेयर बॉक्स यहाँ पर लगाया है, अब ऐसा ना हो कि कोई थोड़ा सा इसे पंच करे या थोड़ा सा इस पे वेदर का इफेक्ट हो तो ये जो हार्डवेयर पार्ट है ये मेरा डैमेज हो जाए। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली वेयर द हार्डवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट कम्स एंड इट इज क्रिएटिंग अ वैल्यू फॉर आवर आईओटी प्रोडक्ट्स एंड प्रोजेक्ट। हार्डवेयर, दिस इज बेसिकली हार्डवेयर डिफाइंड। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कंप्लीट स्ट्रक्चरिंग ऑफ एन आईओटी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अब बेसिकली जो एक्चुअली मकसद आपको ये था ये सब बताने का कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि आपको किस टाइप का आईओटी प्रोजेक्ट बनाना है या किस टाइप की प्रोडक्ट आपको डेवलप करनी है। सो द थिंग विच मैटर्स इज द वैल्यू प्रोपोजिशन, या आप कितनी वैल्यू कस्टमर के लिए क्रिएट कर रहे हो। सिंपली जो प्रोजेक्ट मैंने आपके सामने अभी बना के आपको दिखाया है या आपको व्यू किया जिसमें हमने अपनी एक ऐप को व्यू किया कि हमारी जो ये ऐप इन्वेंटर पे बनी हुई ऐप है
अब उसमें क्या है, कस्टमर उस बटन को टैप करता है और उसके बाद उसके सामने स्टेटस शो होता है कि मोशन डिटेक्ट हुई है या नहीं हुई। दिस इज नॉट गोइंग टू क्रिएट मच वैल्यू फॉर द एंड कस्टमर। ठीक है, कस्टमर इतना एक्टिव कभी नहीं होता कि वो स्पेशली ऐप को ओपन करे और बटन को टैप करे। ठीक है, सो फोकस ऑन डिवेलपिंग रियल वर्ल्ड IoT सोल्यूशंस। मैं आपको इस तरह के छोटे छोटे प्रोजेक्ट की, जो फर्स्ट प्रोजेक्ट मैंने करवाया है, इसके जो मैंने आपको भी डिसएडवांटेजेस यहाँ पे एक्सप्लेन किए और इसमें जो वैल्यूज ऐड करना मैंने आपको एक्सप्लेन की, अपने नेक्स्ट वीडियो से हम वो सारी वैल्यूज अपने प्रोजेक्ट्स में या डेमोज के थ्रू डिप्लाई करेंगे। ठीक है, और हम हर प्रोजेक्ट के साथ एनालाइज करेंगे कि किस प्रोजेक्ट ने कितनी वैल्यू जो है क्रिएट की है एंड कस्टमर के लिए। सही है, सो ये प्रोजेक्ट जस्ट आपको इसलिए था दिखाने के लिए कि एक्चुअली हमारा आर्किटेक्चर कंप्लीट कैसे हो रहा है। हमने अपनी तीनों लेयर्स को कवर कर लिया। ठीक है, हमने अपनी फर्स्ट ऑफ ऑल परसेप्शन लेयर को कवर किया, हमने अपनी परसेप्शन लेयर को कवर किया, हमने सेंसर से डेटा लिया और उसे एम्बेडेड सिस्टम, एक माइक्रो कंट्रोलर इंक्लूड किया, लेट्स से आर्डिनो और नोड एमसीयू, और हमने सेंसर से डेटा नोड एमसीयू तक, सेंसर से डेटा गेट कर लिया। उसके बाद हमने कम्युनिकेशन लेयर को इंक्लूड किया। ठीक है, कम्युनिकेशन लेयर को हमने कवर किया और हमने डेटा को क्लाउड पे सेंड कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास क्लाउड पे डेटा आ गया, हमने थिंगस्पीक को यूज किया। एंड थर्ड थिंग जो अभी हम स्टडी कर चुके हैं वो है, हमने अपनी एप्लीकेशन लेयर को स्टडी किया और देखा कि हम एंड यूजर एप्लीकेशन कैसे डिवेलप कर रहे हैं और एंड यूजर एप्लीकेशन के अंदर हम एक वैल्यू कैसे ऐड कर रहे हैं, हम इंटरफेस कैसे यूजर को दे रहे हैं, और हमने डाटा को एक्चुअली जो डाटा यहाँ से इस सेंसर से लिया गया है, इस परसेप्शन लेयर से, एप्लीकेशन लेयर का मकसद हो ये होता है कि हम उसे यूजर के सामने प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने एक कंप्लीट IoT आर्किटेक्चर देखा। अब अपनी से नेक्स्ट वीडियो में हम एक डेमो देखेंगे एक और IoT सिस्टम का, जिसके अंदर हम ज्यादा वैल्यू ऐड कर रहे होंगे अपने IoT सिस्टम के अंदर। ओके, सो बैक टू द स्लाइड। अब मैं आपको एक MIT ऐप इन्वेंटर को लर्न करने के लिए एक लिंक है बेसिकली, जो कि ऐप इन्वेंटर का ही है। ये लिंक आप इसको स्टडी करें, इसके ऊपर ट्यूटोरियल्स मौजूद हैं कुछ MIT ऐप इन्वेंटर के। सो ये ट्यूटोरियल्स आपको लाजमी हेल्प करेंगे एज अ बिगनर लेवल MIT ऐप इन्वेंटर को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, सो इफ आई आई हैव द टाइम, इफ आई गॉट द टाइम, आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू इन केस ऑफ ऐप इन्वेंटर प्रोजेक्ट्स। ओके, सो दिस साइट पे, इस पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं मौजूद हैं पहले ही। तो आप इसको थोड़ा सा, अगर एज अ बिगनर हैं आप इसको थोड़ा सा करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ऐप इन्वेंटर पे हमने काम कैसे करना है। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द टूडेज लेक्चर, एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेक्चर विद द डेमो ऑफ इन वेयर वी विल क्रिएट मोर वैल्यू और एडिंग मोर वैल्यू टू आर IoT प्रोजेक्ट।